बहुत रोया हूँ फिल्म में थ्रू आउट। इनफैक्ट इंटरवल में मैं विकास को भी मिला था, तो मैं तो जाके उसको हक कर लिया कि मैंने उसको कहा कि यार व्हाट अ फिल्म। एंड व्हेन एवर आई मीट ऋतिक सर नेक्स्ट, वो डांस दीवाने पे आए थे फॉर द प्रमोशन, तब मैंने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन अगली बार जब भी मिलूँगा जाके गले मिलूँगा फॉर जस्ट फॉर बींग द एक्टर दैट इज़ की इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना जेन्यून इमोशंस। आई एम सो ग्लैड कि मैं आनंद कुमार से मिला और मैं उनको इंटरवल में भी जाके गले लग के आया। मैंने उनको कहा सर मतलब आप जो शिक्षक हो और आपने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा, एंड हैट्स ऑफ टू हिम यार, आई एम जस्ट वेरी इमोशनल। माइंड ब्लोइंग फैबुलस, ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो, एंड वो इस स्क्रीन पे भी थे हमारे साथ, मूवी साथ में देख रहे थे, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड मतलब आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट। एंड जब पता चला रियल लाइफ हीरो, मतलब ही इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड द वर्क ही इज़ डन एंड हैज़ बीन डूइंग टिल नाउ, इट्स अमेजिंग, फैबुलस। परफॉर्मर सारे के सारे, हर एक परफॉर्मर, आई थिंक एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था फिल्म का। द किड्स, ऋतिक, मृणाल, नंदेश, आई थिंक ऑल ऑफ देम, दे वर सो गुड, एंड आई एम सो ग्लैड टू वॉच सच अ नाइस फिल्म आफ्टर सो लॉन्ग। अनबिलीवेबल। मैं एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक अ फैन। मैं आनंद सर को मिलना चाहती हूँ, उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ खींचना चाहती हूँ। वो हमारे साथ थिएटर में थे और वो वहाँ से निकले हैं, एंड आई वॉन्ट टू गो एंड गिव हिम अ बिग बिग हग। एंड माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ लाइफ, एक ऐसी कहानी है, मतलब सबको देखनी चाहिए। इट्स ब्यूटिफुल, अनबिलीवेबल। फिलहाल मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे मेरे टीचर्स याद आ रहे हैं, यू नो, लाइक इट्स अनबिलीवेबल। सो इट्स अनबिलीवेबल, 30 IIT, यू नो, लाइक हमने अभी तक सुना था, न्यूज़ में सुना था, और आज इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं विद द मैन हिमसेल्फ। तो इट्स, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मूवी देखने का मौका मिला, और वो भी उनके साथ, मतलब एक ऑडी में बैठ के। और नंदिश वाज सुपर, ही वाज लुकिंग सो चार्मिंग, एंड ऋतिक, तो गॉड माय, आई स्वेयर, लाइक द परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया है, कमाल का परफॉर्मेंस, थैंक यू। बताएंगे इंडिया सलाम लगाएगा, सबसे लंबा छलांग मारेंगे हम लोग। यस यस सर। कौन छलांग लगाएगा? सर हम लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा सर। मैं लगाऊंगा। और अगर कोई बोलेगा कि हम छलांग नहीं लगा सकते तो जबरदस्ती लगवा दो। नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे पता है? इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? आई थिंक सब लोग को जाके देखनी चाहिए। इन बच्चों ने जो मेहनत किया है, जो इन्हो जो आप स्क्रीन पे देखेंगे वो असली में ये सब फील करते हैं। और जब हम देखते हैं, और जब मैं कहानी सुनता था तो मुझे लगता था मेरी कहानी है। तो जिंदाबाद बस अब इसके आगे और क्या बोलेंगे?